हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में, आज हम सीखने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम सेट करते हैं, तो ये सारा कुछ सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टी टेस्ट फॉर वन सैम्पल टेस्ट एंड टू सैम्पल टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है और उसमें टाइप वन एरर, टाइप टू एरर क्या होती है, और इसके अलावा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कैसे लिखते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग अगर क्लास टेंथ में हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन क्लास टेंथ में और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप एक सर्च कर रहे हैं कि ऐसा सैंपल पेपर जिसको आप, जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सैंपल पेपर आपकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको एक पूरा एक फॉर्मेट पूरा ऐसा मिलता है जैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम देने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम, जब एक इकट्ठा पेपर की बात आती है तो वहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से टाइमली पेपर को कंप्लीट करें। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक सैम्पल पेपर की, और एक अच्छे सैम्पल पेपर की जिसमें इस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो, यानी कि आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है ये एजुकाजोन कंपनी का। तो इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है तो सारे सैम्पल पेपर्स इनके अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अब इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने जो आपको सीबीएसई का जो 2023 में पेपर हुआ था वो पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दे रखा है, ताकि आप पिछले पेपर को देख कर समझ सके कि पेपर का लेवल किस तरीके का था और आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। इसके अलावा जो इस साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको 10 प्रैक्टिस सैंपल पेपर इसके अंदर और प्रोवाइड किए गए, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सके। तो ये एजुकाजोन का सैंपल पेपर है, इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पर जाके उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, रेट इसके रीजनेबल हैं। तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए इन सैंपल पेपर्स का सहारा ले सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर तो मार्केट में बहुत है, बहुत सैंपल पेपर हैं, लेकिन एक अच्छे सैंपल पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाके जिस सब्जेक्ट का भी आपको सैंपल पेपर चाहिए वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। फर्क होता है, ठीक है। जैसे अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इट इज़ यूजफुल टू मेक सम एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। जब हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के बारे में आपको कोई डाटा, कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन लेना है तो उसके बारे में हम कुछ एजम्पशन करते हैं। सच एजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू आर नोन एज हाइपोथेसिस। अब वो एजम्पशन जो है वो ट्रू भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का आपके पास एक मीन है, हमने मान लो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके मान लो क्लास है, क्लास के कुछ स्टूडेंट है या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक पूरी पॉपुलेशन है और हमने पूरा उनका रिजल्ट तैयार किया और एक मीन मार्क्स निकाले हमने कि भाई एवरेज जो है वो 70% की एवरेज है, कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 70% आए एवरेजली। अब हमने क्या करना है, हमें वहाँ पर कुछ डिसीजन लेने, कुछ टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरी पॉपुलेशन पे नहीं करके हम उसमें से एक सैंपल चूज करते हैं। हमने मान लो एक सैंपल चूज किया और इस सैंपल का जो मीन है आपके पास ये आ गया मान लो 72%, ठीक है, या 70% आ गया या 73% आ गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें यह टेस्ट करना है कि अगर हम, क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं, अब सैंपल ले रहे हैं तो वहां पर हमेशा मार्जिन ऑफ एरर भी रहेगा। अब उस मार्जिन ऑफ एरर की वजह से आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें और इसमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, यही हमें पता करना होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। अब इसके लिए आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाता है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, कि जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉन्फिडेंस लेवल 95%, अगर आपने पीछे के वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो 95%, 99%, 90% कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उस लेवल पर चेक करें तो चेक करके हमें ये देखना होता है कि जो पॉपुलेशन का मीन 70% आ रहा है और जो हमारा सैंपल का मीन 72% आ रहा है, उन दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। डिफरेंस तो डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं है। अब 70 और 72 में 2% का डिफरेंस आ रहा है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या फिर वो मामूली डिफरेंस है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई चल जाएगा, इतना चल जाएगा। वो हमें डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दिया होता है, उसके हिसाब से आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो जो नल हाइपोथेसिस है उसका मतलब क्या बनता है, नल हाइपोथेसिस इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, ठीक है, इसको एच नॉट से ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो सैंपल का मीन निकाला है और जो पॉपुलेशन का मीन आपको दिया गया है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज्ड मीन। यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप मतलब दिल पे बिल्कुल मत लो, जो आपने डाटा निकाला है और जो आपको डाटा दे रखा था ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा है, सेम सेम सा है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन अगर उसमें डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं भाई ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है और इसको हम डिनोट करते हैं एच ए से या फिर एच वन से। तो यहाँ पर कह रहा है कि देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज मीन। जो सैंपल मीन आपने निकाला है और जो मीन आपको गिवन था उन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपने गड़बड़ कर दी है, आपने या तो सैंपल सही नहीं ले रखा या आपका जो डाटा है वो गलत है, तो यानी डिफरेंस वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ आपको चेक करनी होती है नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में। तो बिल्कुल मतलब सिंपल तरीका तो यही है कि आप नल हाइपोथेसिस को लिखो देर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज मीन, और ऑल्टरनेट का मतलब हो गया देर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज मीन, ठीक है। अब लेकिन हम इसको अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं कि आप कैसे आप इसको इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज कैसे आप इसको लिख सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम एग्जांपल की हेल्प से आप समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम बना के देखेंगे कैसे हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सपोज ए पर्टिकुलर मोटर बाइक हैज़ एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। जब भी आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे तो दो पार्ट होंगे क्वेश्चन में, एक तो इन्फॉर्मेशन होगी और दूसरा डिसीजन मेकिंग होगी। तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये एक मोटर बाइक है हमारे पास जिसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है 40 किलोमीटर पर लीटर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी डेवलप्ड ए न्यू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टू इंक्रीज द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। हेयर रिसर्च हाइपोथेसिस इज दैट द न्यू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम विल हैव एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक्सीडिंग 40 किलोमीटर पर लीटर। तो ये हमारा जो पार्ट है ये डिसीजन मेकिंग पार्ट है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 40 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा होगी, ये हमें यहाँ पर चेक करना है, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये फ्यूल एफिशिएंसी 40 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कह रहा है, जो डिसीजन मेकिंग है वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, 40 किलोमीटर से ज़्यादा होगी मतलब म्यू आ गया ग्रेटर देन 40, ठीक। अब जो अल्टरनेट होता है और जो नल हाइपोथेसिस होते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये कह रहा है ग्रेटर है तो अल्टरनेट कहेगा कि ग्रेटर नहीं है, अगर ये कहेगा कि भाई इससे कम मतलब ये इससे कम है तो नल कहेगा कि भाई ज़्यादा है। तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात करेंगे। और जो नल हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर जब भी हम वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर हमेशा इक्वलिटी जरूर रहती है। तो जब ये यहाँ पर डिसीजन हमें चेक करना था कि फ्यूल एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है 40 लीटर से ज़्यादा है तो मतलब म्यू ग्रेटर देन 40, तो इसके अपोजिट क्या बनेगा, म्यू लेस देन इक्वल्स टू 40। तो जहाँ पर इक्वलिटी साइन होगा वो बनेगा आपका नल हाइपोथेसिस और जहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं होगा वो बनेगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो म्यू लेस देन इक्वल्स टू 40 एंड म्यू ग्रेटर देन 40, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस तरह से बनाया। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या कहता है कि सपोज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक क्लेम दैट 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बोतल हैज एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 150 ग्राम शुगर। तो यहां पर कंपनी का क्लेम है कि भाई 150 ग्राम शुगर जो है उनकी जो ड्रिंकिंग बोतल है सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें 150 ग्राम शुगर होती है। A sample of 2 liter bottle will be selected and the content will be measured to test the manufacturer claim. अब हमने वहाँ से कुछ sample लिया 2 liter bottle का और हमने उस जो claim था manufacturer का उसको हमें test करना है।
Using this approach for the soft drink example, we would state that the null and alternate hypothesis. अब यहाँ पर हमें उनका claim जो है वो देखना है कि उनका claim क्या कह रहा है. उनका claim कह रहा है कि भाई जो average है ना वो at least 150 ग्राम है. Average जो है वो at least का मतलब हो गया कि ये sign आएगा 150 ग्राम है. ये उनका claim है. अब हमें check करना है इसका उल्टा कि भाई ये है या नहीं है. तो इसका मतलब इसके अंदर 150 ग्राम से कम होना चाहिए. तो यहां पर देखो भाई इक्वलिटी का जो साइन है वो कहां पर आ रहा है. इक्वलिटी का साइन ये आ रहा है. तो ये बनेगा आपका नल और ये बन जाएगा आपका अल्टरनेट. एक और सिचुएशन देखते हैं. यहां कहता है कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन ए डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है, चूज बिटवीन द टू कोर्स ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल On the basis of sample of parts from a shipment just received, a quality control inspector must decide whether to accept the shipment or to return the shipment to the supplier. एक consignment आना है. अब consignment आना है तो उसमें जो receiver है उसको check करना है कि जो माल उसके पास आ रहा है, जो sample उसके पास आ रहे हैं उनकी quality कैसी है. तो inspector उसको check करना चाहता है. अब ये inspector कहता है कि भाई जो specification हमने दी है ना आपको, जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दी है, अगर जो आपने सामान भेजा है उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिकेशन नहीं हुई तो माल आपका रिजेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज ठीक है, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब वो क्या करता है, एज्यूम दैट द स्पेसिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट रिक्वायर्ड ए मीन लेंथ ऑफ 3 inches पर पार्ट. अब मान लो जो सामान मंगाया गया वो मशीन का कोई पार्ट है. अब मशीन का कोई पार्ट है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये माउस है. अब इस माउस में ये जो व्हील लग रहा है, इस व्हील की एक फिक्स डायमेंशन है, ना ये कम होना चाहिए ना ये ज़्यादा होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो इसमें फिट नहीं बैठेगा, कम होगा तो अंदर कुछ फंक्शन काम नहीं करेंगे. इस तरह से कुछ मशीनरी है तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसकी डायमेंशन है वही होनी चाहिए. अगर उससे कम हुई या उससे ज़्यादा हुई तो दोनों केस के अंदर क्या होगा, माल हो जाएगा रिजेक्ट. यानी माल एक्सेप्ट तभी होगा जब डायमेंशन उसके बराबर जो दी गई है वही डायमेंशन हुई. तो ये कह रहा है कि जो डायमेंशन है ना उसकी वो 3 inches पर पार्ट होनी चाहिए तभी वो एक्सेप्ट होगा. तो मतलब क्या हो सकता है कि म्यू 3 के इक्वल होगा या 3 के इक्वल नहीं होगा. अब 3 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेस देन 3 भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है. तो इन दोनों को हम एक ही सिचुएशन से डिनोट करते हैं, नॉट इक्वल्स टू 3. ठीक है, अगर ये हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा कंसाइनमेंट, अगर ये हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर इक्वलिटी किधर है, म्यू इक्वल्स टू 3. यानी यहाँ पर ये बनेगा आपका नल हाइपोथेसिस, ये बनेगा हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो इस तरह से आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में लिखना है. अगर मान लो आपको किसी में कुछ समझ नहीं आता कि कैसे लिखना है तो आप उसमें सिंपली देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ऐसे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और यहाँ पर क्लैरिटी हो जाए. अच्छा, उससे पहले जो टाइप वन और टाइप टू एरर है उसको समझ लेते हैं. तो टाइप वन एरर के अंदर क्या है, हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर है कि जो एच नल हाइपोथेसिस है या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है. हाँ, नल हाइपोथेसिस ट्रू या अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू, दो सिचुएशन होंगी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब यही हुआ. अब यहां पर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब करेक्ट कंक्लूजन पर हमें, यानी जो बात है वो सही है. लेकिन नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर टाइप वन एरर है. नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम गलती कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे टाइप वन एरर. अगर दूसरा केस हम लेते हैं कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, तो उसको बोलेंगे हम टाइप टू एरर. और अगर नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट करने का मतलब है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेट को, तो इसका मतलब वो करेक्ट कंक्लूजन है. तो मतलब अगर आप उल्टा काम करोगे, गलती करोगे कि नल हाइपोथेसिस तो आपका ट्रू था लेकिन आपने क्या करा, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप वन एरर है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका ट्रू था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप टू एरर है. तो इस तरह से टाइप वन टाइप टू एरर आप बता सकते हो. अब हम आते हैं वापस
नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पर। यहाँ पर कहता है कि सपोज ए पिज्जा रेस्टोरेंट क्लेम इट्स एवरेज पिज्जा डिलीवरी टाइम इज 30 मिनट। एक रेस्टोरेंट डिलीवरी वाला है, वो कहता है कि भाई एवरेज जो पिज्जा डिलीवरी टाइम है वो 30 मिनट्स का है, बट यू बिलीव दैट द रेस्टोरेंट टेक्स मोर देन 30 मिनट। लेकिन आपका बिलीव है, आपका बिलीव है, आपको ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कि लेट आएगा ना तो पिज्ज़ा यार फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 30 मिनट से ज़्यादा है। तो क्या सिचुएशन है कि एवरेज डिलीवरी टाइम 30 मिनट से ज़्यादा है, और इसका जो कन्वर्ट उल्टा है, रिवर्स है, वो क्या होगा कि 30 मिनट से कम है या इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये बना नल हाइपोथेसिस, ये बन गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पर है। जब अभी कह रहा है कि एवरेज पिज्ज़ा डिलीवरी टाइम इज 30 मिनट, एवरेज टाइम 30 मिनट है, इसका मतलब 30 मिनट भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन आपका बिलीव है कि ज़्यादा होगा, ठीक है। मनी मन सोच रहे हो कि ज़्यादा हो जाएगा तो भाई पिज़्ज़ा फ्री मिल जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं, कंपनी वाले बड़े स्मार्ट हैं, 20 मिनट का टाइम होता है तो आपको 30 मिनट का देते हैं। ए स्टडी क्लेम दैट द मीन इनकम ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव इन ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एन इंडस्ट्रियल स्टेट इज रुपीज दिस, कि जो मीन इनकम है वो इतनी है, ठीक है। टू टेस्ट दिस क्लेम इट इज डिसाइडेड टू टेक ए सैम्पल ऑफ 25 एग्जीक्यूटिव एंड ऑब्टेन देयर मीन इनकम, सेट अप द अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस। कंपनी ने कहा कि भाई जो मीन इनकम है वो इतनी है, ये उनका कहना है। अब उनके क्लेम को आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए आपने सैंपल लिया, अगर आपकी मीन इनकम इनसे कम आ गई तो भी कंपनी का क्लेम गलत हो जाएगा, और मीन इनकम अगर इससे ज़्यादा आ गई तो भी कंपनी का क्लेम गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा कि म्यू की जो वैल्यू है 645000 या फिर 645000, तो ये दो कंडीशन बनेगी, इक्वलिटी इधर है तो ये नल हाइपोथेसिस होगा और ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ए रिसर्चर कंटेंटेड दैट द मीन डेली स्लीप ऑफ यंग बेबी इज 15 आवर। एक रिसर्चर है, उसने कहा कि भाई जो मीन डेली स्लीप है बच्चों की वो 15 आवर्स है। ए सैम्पल ऑफ 28 बेबीज इज टेकन रेंडमली एंड देयर एवरेज स्लीप इज फाउंड टू बी 13 आवर एंड 48 मिनट्स। आपने कुछ सैंपल लिया और देखा कि भाई मीन जो स्लीप है वो इतनी आ रही है, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 मिनट्स, सेट अप द नल एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस टू टेस्ट हिज क्लेम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने जो चेक किया कि आपने देखा कि जो एवरेज स्लीप है वो इतनी आ रही है, ठीक है। तो जो जो आपने सैंपल लिया उसकी वैल्यू 15 से कम आ रही है, 15 से कम आ रही है, इसमें आप यहाँ तो इसने चलो ये डाटा हमें दे दिया है, कम आ रही है ज़्यादा आ रही है। जो क्लेम था वो था कि 15 आवर्स है, जो क्लेम था वो था 15 आवर्स है, तो जो मीन स्लीप है वो 15 आवर है। अगर उससे ज़्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है, दोनों केस में क्या होगा, उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब म्यू की जो वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू 15, तो ये बना आपका नल और ये बन गया ऑल्टरनेट। तो आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल किस हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको किस तरीके से लिखना है। तब ये लिखना आपको समझ में आ जाएगा तो अगली क्लासेस में हम करेंगे कि आपको ये लिखने के बाद टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट स्टेटिटी या टी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो कैसे आपको परफॉर्म करना है, उसका फार्मूला क्या रहेगा और किस सिचुएशन में वन सैंपल टू सैंपल कैसे कैसे हमें लगाना है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।